स्वामी जी, जितेश का सवाल हम पहले ले लेते हैं। जितेश ये कह रहे हैं कि सिर से लेकर पांव तक उनकी नसों में हमेशा खिंचाव रहता है। सिर से लेकर पांव तक की नसों में खिंचाव और दर्द की ये जो शिकायत है, कैसे दूर होगी? ये दूर होगी, एक तो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन जो हमने पहले कराए वो कर लें। और ये जितेश के साथ साथ और भी बहुत लोगों को पूरी नसों में दर्द होता है। इसका एक कारण तो किसी को ओमेगा की कमी, किसी को विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी। तो इसके लिए एक डेली एनर्जी हम बनाते हैं, न्यूट्रिला डेली एनर्जी, उसको ले लें, अथवा मोरिंगा की टैबलेट ले लें, अथवा नसों के दर्द के लिए चंद्र प्रभाव टी और त्रयोदशांक गुग्गल खा लें। चंद्र प्रभाव और त्रयोदशांक गुग्गल खाने के बाद लेने से नसों का दर्द दूर हो जाता है। वैसे तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात, आहार श्रृंगार, ये कहते हैं हम घरों में लगाओ। आज हम बताने वाले अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में, त्रिफला के बारे में, गिलोय के बारे में, और पूज्य आचार्य जी का बर्थडे 4 अगस्त हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब ये भी हम लोगों को बता रहे हैं कि बरसात में अपने घरों में गमलों में ये जड़ी बूटियाँ लगाओ, इससे भी ये दर्द दूर हो जाती है। और आगे पीछे ऐसे पैरों को करने से और ये बटरफ्लाई करने से ये पैरों की झंझनाहट और दर्द दूर हो जाते हैं। और ये पीछे के जो चैनल हैं, हाथों में दर्द हो तो हाथों के और पैरों में दर्द हो तो पैरों के, ये पीछे के चैनल दबाते हैं, इससे भी सिर में दर्द पैरों की झंझनाहट और दर्द दूर हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं जी जी। और इसके लिए हम भस्त्री भी कराते हैं, इसके लिए हम श्रृंगी चिकित्सा भी कराते हैं। कितने झंझनाहट एक ही दिन में वीरकोज वेन से लेकर के पैर के झंझनाहट से लेकर के शाटिका पेन से लेकर के हटा देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो, प्राणायाम जरूर करें और आसन थोड़े से, मरकटासन, उष्ट्रासन, मकरासन, ये थोड़े आसन कर लिए तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। आप उष्ट्रासन कीजिए, मैं तब तक सागर का सवाल ले लेती हूँ। अगला सवाल सागर का ही है। उम्र 63 साल है और प्रोस्टेट बढ़ गया है, क्या उपाय करें कि प्रोस्टेट की समस्या से इनको आराम मिले, निजात मिले? स्वामी जी, गोखरू का स्वामी जी अक्सर जिक्र करते हैं के लिए। ट्रेडिशनली तो मैं एक बात कहता हूं, देखो जी। ये सागर से लेकर के अब तो सागर की तरह करोड़ों लोग पीड़ित हैं प्रोस्टेट से, जो भी जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा हो गई है, 90% पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है। तो हिंदुस्तान में कम से कम 30-40 करोड़ लोगों की समस्या है। मंडूकासन और पवनमुक्तासन कपाल भाती के साथ करें और ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा टी, गोक्षरादि, गुग्गुल, विष्टेंदु कवटी खाने के बाद देते थे, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और गोखरू पिलाते थे। अब हमने प्रोस्टोग्रिड तैयार कर दिया, गोखरू के पानी के साथ उसको देते हैं और 100% प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लौकी का जूस काली मिर्च और तुलसी के साथ पिलाते हैं, कितना ही प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, 20 ग्राम नॉर्मल वेट होता है लोगों का, 100 ग्राम तक पहुंच गया था उनको हमने ठीक किया, और बाद में PSA लेवल भी बढ़ जाता, वो भी 100% अच्छा हो जाता है। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मंडूकासन कपाल भाती के साथ। अब अगला प्रश्न ले लो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या थी, आपने जो सागर का प्रश्न लिया प्रोस्टेट की ना जी स्वामी जी, और इससे कुछ लोगों को तो कैंसर होकर के अकाल मृत्यु हो जाती है, बड़ी दिक्कत वाला बात काम है। भूमेश का सवाल है, उपाय लौकी के जूस से ये ठीक हो जाता है। अगला सवाल स्वामी जी भूमेश का है। चेहरे में बहुत दर्द रहता है, दवाई लेने से थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है लेकिन फिर दर्द शुरू हो जाता है, तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। और साथ ही स्वामी जी, चेहरे में दर्द का कारण क्या है? ये क्योंकि जगह भी नहीं बता रहे चेहरे में कहां दर्द होता है। एक तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया कहते हैं, तो इसमें एक तो लीच लगा देते हैं हम। लीच लगाने से जैसे कहते हैं सल्लू जी को, सलमान खान को भी सिर में दर्द था, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। तो ये जिनको भी ये चेहरे पर दर्द आता है या किसी का, कई बार दांत के इन्फेक्शन किसी भी आ जाता है, तो दिव्य दंत मंजन कर लें या दंत कांति एडवांस मंजन कर लें या दंत कांति सेंसिटिव, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, बहुत कुछ दे रखा हमने। ऐसी एलोवेरा चबा लें अच्छे से, ऐसी एक्सरसाइज भी कर लें, ऐसी एक्सरसाइज करने से, कपाल भाती करने से, और त्रिफला, हल्दी, सेंधा नमक और कोयला का पाउडर, चारकोल। अब आजकल तो चारकोल का, पहले लोग हमको मूर्ख बोलते थे, बोले चारकोल घिस घिस के इन्होंने दांत खराब कर लिए। हम नीम बबूल की दातुन क्या करते थे, 100 साल हमारे दांत अच्छा रहा करते।
आश्चर्य की बात होगी, मैंने 25-30 साल तक तो कोलगेट को कोई टूथपेस्ट को मुंह ही नहीं लगाया था। अब बहुतों की आश्चर्य हो सकते हैं, मैं तो नीम बबूल की दांत में किया करता था। बाद में हमने आयुर्वेद में ये मंजन तैयार कर दिया, दंत कांति तैयार कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो चेहरे के दर्द के लिए एक तो लीच, एक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, लीच थेरापी से तो ट्राइजेमिनोलॉजी चेहरा का दर्द पूरी गायब हो जाता है। अपने दांत भी चेक करवा लें, कई दांतों में कई इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार या ऐसे ये दर्द हो जाता है। बाकी जो मैंने उपाय बताए इनको करेंगे, और ये त्रिफला हल्दी चारकोल इसको सरसों का तेल मिला करके और इससे दांत साफ कर लेंगे, या सरसों का तेल मुंह में डाल के आजकल ऑयल पुलिंग, अब ऑयल पुलिंग कोलगेट वाले सिखाएंगे हमको। मैं किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने हमारी ट्रेडिशंस को खूब पहले तो कोसा और अब कहते हैं क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अरे हमारे तो नमक के बोरे भरे पड़े हैं, तेरा क्या हाल है? कभी कभी नमक, नींबू तो और सरसों का तेल जो है एक चम्मच में घोल के दे दिया करते थे कि लो आज इसी से दांत साफ करके देखो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।